मलेशिया में चाइना टाउन एक बहुत ही कलरफुल सा और वाइब्रेंट सा नेबरहुड है जहाँ पे आप आराम से पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। सो हियर आर द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन चाइना टाउन। सेंट्रल मार्केट, ये भी पेटलिंग स्ट्रीट जैसी ही एक शॉपिंग मार्केट है, पर पेटलिंग स्ट्रीट से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसी है, एक्चुअली थोड़ी ही ज़्यादा प्राइसी है। पर द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एयर कंडीशनड है, तो स्पेशली जब दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, तो यहाँ पर आके आप आराम से 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सीधा निकल के आता है पेटलिंग स्ट्रीट, पेटलिंग या पेटालिंग स्ट्रीट जो भी, ये भी शॉपिंग सेंटर है, खुले में है और थोड़ा सा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दी सेंट्रल मार्केट। और यहाँ पे जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है, वैसे यहाँ पे पेटालिंग स्ट्रीट है। मैंने गुआवा ख़रीदा विच इज़ फॉर 3 रिंगिट, और इतना महंगा गुआवा 51 रुपीज़ का मैं इंडिया में कभी नहीं खरीदूँगी। साइट्स इन कुआलालंपुर, इसको कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ एंड इट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द टॉप 10 वाटर फ्रंट्स इन द वर्ल्ड। ये जो जगह है वो सेंट्रल मार्केट से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर से कैफेज, सीनिक बाइसिकल लेन्स और बहुत ही अच्छे से गार्डन्स बने हुए हैं विद ब्यूटिफुल सिटिंग लेन्स। और इस रिवर ऑफ लाइफ के जस्ट पीछे है मलेशिया का सबसे पुराना मॉस्क, जामिक सुल्तान अहमद समाद मॉस्क, और उसी मॉस्क पे रात में लाइट शो होता है और फाउंटेन शो भी होता है। बट इन केस अगर आप सेंट्रल मार्केट आ रहे हो तो डू नॉट मिस टू विजिट दिस प्लेस, स्पेशली एट नाइट। कस्तूरी वॉक ऑफ चाइना टाउन, जैसे जैलन अलोर एक बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट है, वैसे कस्तूरी वॉक भी काफ़ी फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। और यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिलेगा, वेज, नॉन वेज, इंडियन ऑल्सो, और यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching this short video, and in the next video I will take you along to the Batu Caves and the Genting Island, so stay tuned.